हाँ, BA पार्ट सेकंड ईयर पेपर सेकंड लॉजिक। बच्चों, मैं आपको बता रही थी जॉर्ज बुलियन का वर्ग विरोध का सिद्धांत। ये आप देखो चित्र, ये बुलियन का वर्ग विरोध है जिसमें चार जो मानक आकार हैं A, E, I, O, इन चारों के इन्होंने ये फॉर्मूले बताए हैं। इन फॉर्मूलाज के आधार पर हम वैन डायग्राम में चारों तर्क वाक्यों के ये चारों निरुपाधिक तर्क वाक्य, इन चारों तर्क वाक्यों का हम वैन डायग्राम में छायांकित करना देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ सार्वभौमिक तर्क वाक्य है। जैसा कि आपको मैंने ये नोट्स दे रखे हैं, इसमें पहला तर्क वाक्य है यूनिवर्सल सकारात्मक तर्क वाक्य है। ये इधर देखिए, इसका एक एग्जांपल है ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी सभी मनुष्य मरणशील हैं। ठीक है, इसके लिए हमने S और P ये दो वर्ग हैं, जिसमें एक वर्ग आपका ये S का है, ये S की क्लास है, ये P की क्लास है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है S P बार इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब मैं इन फॉर्मूलाज के आधार पर आपको समझा रही हूँ। थ्योरी में मैंने आपको समझा दिया है, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको कि ये एक निरुपाधिक तर्क वाक्य है। ठीक है, इसमें आपको S और P की क्लास में आपको इस पूरे निरुपाधिक तर्क वाक्य को शो करना है। कैसे शो करना है, जैसे ये कहा जा रहा है कि S P बार इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी P का निषेध करते हुए S की क्लास को हमें शेड आउट करना है। तो ये P पूरा हमने निकाल दिया सर्कल से बाहर, बाकी बची S की क्लास, इसको हमने छायांकित कर दिया। अब ये कह रहा है कि सभी मनुष्य जो हैं वो मरणशील हैं, ये हो गया सभी मनुष्य, ये है मरणशील। इस पूरे को क्यों नहीं लिया, क्योंकि S की क्लास में मरणशीलता का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता, परंतु मनुष्य के अलावा और भी हैं, और भी जीव हैं जिनमें मरणशीलता का गुण पाया जाता है। इन्होंने केवल मनुष्य की क्लास की बात कही है, तो हमने केवल मनुष्य की क्लास को इधर करके अलग करके और हमने इस P जो विधेय पद है, इस पूरे को हमने इस सर्कल से बाहर कर दिया। ये शो करता है कि सभी मनुष्य जो हैं वो मरणशील हैं। ये क्लास जो है, ये जो डार्क किया हमने, ये नल क्लास है। ठीक है, दूसरा आपका वर्ग है, दूसरा जो आपका सार्वभौमिक निषेधात्मक तर्क वाक्य है, जो कहता है कि नो मैन आर मॉर्टल, यानी कोई भी मनुष्य जो है मरणशील नहीं है, यानी इस पहले वर्ग का ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो दूसरे वर्ग का भी सदस्य हो। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ये है, देखो एस पी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी एस पी जहाँ हैं वहाँ हमें शेड आउट करना है। ये हमने शेड आउट कर दिया, अब ये हो जाएगा कोई भी मनुष्य जो है वो मरणशील नहीं है, यानी एस का वर्ग जो है पी के वर्ग से बिल्कुल अलग है या बाहर है। ठीक है, थर्ड आपका था आई तर्क वाक्य है, जिसको हमने एक्स से शो किया है। इस एक्स का मतलब होता है कि कम से कम इसमें एक मेंबर ऐसा है जो इस कथन का समर्थन कर रहा है। कह रहे कुछ लड़कियां जो है बुद्धिमान होती हैं। इसका फॉर्मूला है एस पी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी एस पी जहाँ हैं वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी कुछ लड़कियां जो है वो सुंदर होती हैं और या बुद्धिमान होती हैं, ये शो कर रहा है। ठीक है, यह एक्स रखने का मतलब है कि हमारा जो कथन है कि कुछ लड़कियां जो है वो बुद्धिमान होती हैं, इस तरह से इसको छायांकित करेंगे। और ओ तर्क वाक्य है कि कुछ लड़कियां जो है बुद्धिमान नहीं होती, तो इसमें हमें ये बताना है कि उद्देश्य पद का कम से कम एक सदस्य ऐसा है जो विधेय पद का नहीं है। तो ये एक्स को हम यहाँ रखेंगे तो ये शो कर रहा है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बुद्धिमान नहीं हैं। ठीक है, इस तरह से हम इन चार निरुपाधिक तर्क वाक्य